बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ड्राई स्किन के बारे में है। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जी, हमारी स्किन खुरदरी क्यों हो जाती है, खुश्क क्यों हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा ड्राई क्यों हो जाती है, हमारी स्किन एक्नी क्यों आ जाते हैं हमारी स्किन पे, हमारी स्किन ऑयली क्यों होती है, इस सब के बारे में पहले हम जान लेते हैं, इसकी वजूहात जान लेते हैं। फिर उसके बाद हम कुछ रेमेडीज या कुछ केयर या कुछ इसकी डाइट के बारे में जानेंगे कि क्या डाइट हमें खानी चाहिए अगर हमारी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो रही है, बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है, या इसमें एक्नी आ रही। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि इसके बारे में, ड्राई स्किन के बारे में आज स्पेशली मैं बताना चाह रही हूँ कि मॉइस्चराइजर वगैरह कौन से हम यूज कर सकते हैं। तो मॉइस्चराइजर मैं आपको मेडिकेटेड मॉइस्चराइजर बताऊंगी जो कि हार्मफुल नहीं होंगे और उसका रिजल्ट 100% होगा। इस वीडियो के टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग इसके रीजन और केयर और इसके बाद इसकी जो है कुछ डाइट के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि हमारी स्किन मुख्तलिफ साल्ट क्यों अपनाती है, कभी ऑयली हो जाती है, कभी ड्राई हो जाती है, तो उसके पीछे पीएच जो है, पीएच ऑफ स्किन, स्किन का जो पीएच लेवल है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, यानी पीएच बहुत ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर पीएच नॉर्मल होगा तो हमारी स्किन ग्लोई होगी, अच्छी हो जाएगी, बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड होगी और चार्मिंग लगेगी। और अगर पीएच लेवल बिगड़ जाएगा, अगर कम होगा तो एसिडिक हो जाएगी, उसमें पिंपल्स आने शुरू हो जाएंगे, ऑयली हो जाएगी, और अगर ज्यादा होगी तो ड्राई होना शुरू हो जाएगी। पीएच स्केल अगर हम देखते हैं तो जब पीएच लेवल 1 होता है, यानी उसकी वैल्यू 1 होगी, तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगी। और ये एसिड कहाँ पे होते हैं, ये बैटरीज में पाए जाते हैं, जैसे कि हमारी यूपीएस की बैटरीज होती हैं, सेल्स होते हैं, या फिर हमारे जो भी प्रोफेशनल लेवल पे हम बैटरीज यूज करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और उसमें उसकी पीएच वैल्यू 1 होती है। फिर दूसरे नंबर पर पीएच वैल्यू 2 है जो लेमन में होता है। फिर 3 हमारी सारी सॉफ्ट ड्रिंक सोडा वगैरह में है। फिर टोमेटो में 4 पीएच वैल्यू, कॉफी में 5 और मिल्क में 6 है। 6 जो है वो मिल्क जो है कम से कम, बहुत कम, यानी माइल्ड एसिडिक है। फिर उसके बाद 7 जो पीएच वैल्यू पे हमारा पानी है, पानी जो है वो न्यूट्रल होता है। 7 पे 7 वैल्यू जो आपकी आएगी वो हमारा वाटर होगा, और वाटर जो है हमेशा ना तो अल्कलाइन होगा ना एसिडिक होगा, और इसीलिए जब कोई एसिड वगैरह से बर्निंग होती है तो हम जल्दी से उसको पानी से वॉश करते हैं। और फिर 8 वैल्यू जब पीएच वैल्यू होगी तो इस पे ब्लड सीज होती है, 8 वैल्यू। फिर इसीलिए हमारी बॉडी जो है वो स्लाइटली अल्कलाइन होगी और हमारी जो स्किन है वो स्लाइटली एसिडिक होगी। एग जो है उसकी पीएच वैल्यू 9 है, स्टमक टेबलेट की पीएच वैल्यू 10 है। जब हमारे स्टमक में एसिडिटी होती है तो हम जो टेबलेट्स लेते हैं उसका अल्कलाइन, यानी वो अल्कलाइन से बनी होती है, उसका पीएच वैल्यू अराउंड 10 होती है। फिर अमोनिया सोल्यूशन है, पीएच वैल्यू 11 एंड सोप। जब आप साबुन की हम बात करते हैं, हम अक्सर और बेशतर साबुन से चेहरा धो लेते हैं, जब अपने हाथ वगैरह धोते हैं तो बहुत ज्यादा ड्राई स्किन होने लगती है, जिनके सेंसिटिव होती है बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, अदरवाइज हमारी एज के साथ साथ ड्राई होने लगती है, साबुन सूट नहीं कर रहा होता। इसकी मेन वजह यही होती है कि हमारे साबुन में अल्कलाइन होता है, उसमें हमारा जो है पीएच वैल्यू वो अराउंड 12 होती है, यानी 9 से 12 होती है। तो जैसे वो रेड सोप हुआ करते थे, लाइफ बॉय या इस तरह से कुछ सोप होते थे, उसमें पीएच वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा हाई होती थी और वो बहुत जल्दी ड्राई करते हैं। जो कपड़े धोने वाला साबुन है इसमें भी पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है। फिर हमारा जो ब्लीच है इसमें पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है, और किसी भी किस्म का ब्लीच, हमारी हम जब हम स्किन पे ब्लीच लगाते हैं, जैसे फेस पॉलिश वगैरह हम जब स्किन पे यूज करते हैं ब्लीच को, तो हम क्या देखते हैं कि हमारी स्किन आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होना शुरू हो जाती है। इसके पीछे भी रीजन ये है कि इसका पीएच वैल्यू हाई होता है। फिर उसके बाद डिटर्जेंट आ जाते हैं, ऑल टाइप ऑफ डिटर्जेंट, इसमें आपके कपड़े धोने के
साबुन है या आपके क्लीनर हैं, वॉशरूम क्लीनर हैं, आपके कपड़े धोने के और क्लीनर्स हैं, यानी सरफ वगैरह हैं, या फिर आपके डिश वॉश सोप हैं, तो ये सब आ जाते हैं। इसका एचपी जो है ना, पीएच लेवल जो है वो 14 होता है, सबसे हाईएस्ट होता है। तो हमारी स्किन का आइडियल पीएच लेवल कितना होना चाहिए? ये बिलो 5 होना चाहिए, राउंड अबाउट इसका 4.7 to 5.7 तक होना चाहिए, होता है एक्सोरोबेश कर, लेकिन अगर हम आइडियल स्किन चाहते हैं तो इसका 4.7 to 5 हमारा होना चाहिए पीएच लेवल। और इस पे हमारी स्किन स्लाइटली एसिडिक होती है। और हमारी स्किन स्लाइटली एसिडिक क्यों है? अल्लाह ताला का यह निजाम है कि अल्लाह ताला ने हमारी स्किन को स्लाइटली एसिडिक बनाया है, जिसकी वजह से हमारी स्किन मॉइस्चर प्रोड्यूस करती है, यानी थोड़ी सी एक चिकनाई की लेयर जो है वो बनाती है स्किन के ऊपर, जिसकी वजह से हमारा जो नमी होती है वो उसकी स्किन के अंदर ब्लॉक हो जाती है और बैक्टीरिया जो है वो अटैक नहीं कर सकते। जबकि हमारी बॉडी जो है वो अल्कलाइन, स्लाइटली अल्कलाइन होती है, जिसका पीएच लेवल जो है ना वो अराउंड 7 and 5 होता है। इसमें स्टमक जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। अगर हमारी स्किन बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगी तो क्या होगा? तो इंफ्लेमेटरी स्किन हो जाएगी, पिंपल्स आने शुरू हो जाएंगे, एक्ने बहुत ज्यादा होंगे, एक्जिमा हो जाएगा, और इसके बाद ऑयली बहुत ज्यादा होने लगती है स्किन। और अगर टू मच अल्कलाइन, बहुत ज्यादा अल्कलाइन हो जाएगी हमारी स्किन, तो क्या होगा कि इसमें ड्राई बहुत ज्यादा हो जाएगी, फाइन लाइन आने लगेंगे और हमारी स्किन जो है ना फटने लगेगी। तो अगर बहुत ज्यादा अल्कलाइन होता है तो फिर हम क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड डॉक्टर चूज करवाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो डॉक्टर डर्माटोलॉजिस्ट जो है लैक्टिक एसिड देते हैं, जो लैक्टिक केयर के नाम से बहुत मशहूर लोशन है वो भी मिलता है मार्केट में 1% या 2%, लेकिन वो मैं इधर रिकमेंड नहीं कर रही, आप अपने डॉक्टर को दिखाएंगे, अगर वो सजेस्ट करें तो फिर ही आप यूज करें जी। और अगर बहुत ज्यादा अल्कलाइन होता है तो हमारी स्किन क्यों ड्राई होती है? क्योंकि आज हम ड्राई स्किन के बारे में ही जानना चाह रहे हैं, वो इसलिए कि ये जैसे जैसे बॉडी अल्कलाइन होना शुरू होती है, हमारा स्किन अल्कलाइन होने लगती है, पीएच लेवल बढ़ने लगता है, तो उसके साथ ही फिर जो नेचुरल फैट्स होते हैं वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, यानी जो एक चिकनाई की लेयर होती है स्किन पे वो खत्म होना शुरू हो जाती है, तो जिसकी वजह से नमी भी खत्म हो जाती है हमारी स्किन से और चिकनाई भी खत्म हो जाती है, जो दूरी चिकनाई होती है स्किन के अंदर। और फिर क्या होता है कि ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है, स्किन डल हो जाती है, डार्क होना शुरू हो जाती है, तो इसकी फिर हम केयर क्या करें? तो इसकी केयर में सबसे ज्यादा ये है कि हम लोग सोप को बिल्कुल अवॉइड करना शुरू करते हैं, सोप ना यूज करें। माइल्ड फार्मूलाज बहुत ज्यादा फेस वॉश मिलते हैं, जिसमें सोप फ्री फेस वॉश भी होते हैं और बहुत माइल्ड फार्मूलाज होते हैं बाजार से, वो ज्यादा नहीं के जरूरी नहीं कि आप लोग बहुत ज्यादा महंगे ही खरीदें, सस्ते भी मिल जाते हैं, दो 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 300 400 में मिल जाते हैं, वो आप ले लें और 6 माह 7 माह तक वो सही तरीके से यूज हो जाता है। तो स्पेशली हमने मॉर्निंग टाइम जो सोप है इसको अवॉइड करना है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम एक नेचुरल लेयर जो है स्किन पे आ जाती है मॉइस्चर की, यानी आप चिकनाई की एक नेचुरल लेयर होती है। हम क्या करते हैं, जैसे ही उठे जाकर फेस वॉश कर लिया सोप से, हम उस नेचुरल लेयर को डैमेज कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसमें दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि लुक वार्म वाटर लें, उसके अंदर आप थोड़ा सा लेमन निचोड़ें, हाफ लेमन ले लें, 1 कप ऑफ वाटर ले लें, तो उसमें आप क्या करें उसको मॉर्निंग में ले लें, या अगर किसी कुछ लोगों को अगर मॉर्निंग में नहीं सूट करता तो वो दिन के किसी भी हिस्से में ले सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हमारी बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाए, हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई ऑयली हो जाए, जो हमारी स्किन पर बहुत ज्यादा एक्ने होने लगे, एक तो हमने लेमन से अवॉइड करना है, लेमन को ना तो हमने स्किन के ऊपर यूज करना है और ना ही हमने अपनी डाइट में यूज करना है, कम से कम तो लेमन का यूज कर देना है। एंड सेकेंडली हमने क्या करना है कि 4 लीटर पानी लेना है और इसमें 1/4 1/4 यानी एक चुटकी जो है वो हमने बेकिंग सोडा डाल के उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके रख लेना है,
और उसको कंज्यूम करना है थोड़ा थोड़ा करके, वो पानी हाफ हाफ कप करके आप उसको कंज्यूम करें। और ये आपके 1 मंथ के लिए बहुत है, इसको दोबारा आपने रिपीट नहीं करना। अगर हम देखते हैं कि हमारी ड्राई स्किन क्यों होती है, जिसमें बहुत सारे अवामल हैं, जैसे हमारे एनवायरनमेंट पोल्यूशन, या सख्त मौसम, सख्त सर्दी का होना, या सख्त गर्मी का होना, या एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होना सन में हमारा, या फिर ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है और हम स्किन की सही केयर नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। जब भी हम स्किन की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम स्किन को किस तरह से उसका उसकी क्लीनिंग की किस तरह से हम रूटीन बनाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाए तो सबसे पहले आपको डिटरमेंट होना पड़ेगा, यानी ये तो आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि मैंने मॉर्निंग में किस तरह से इसकी सफाई करनी है स्किन की, शाम को कैसे स्किन को साफ साफ करना है, और फिर इसको क्या क्या चीज़ें इस पर अप्लाई करनी है। तो अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट में हम इसमें शामिल कर सकते हैं ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैमिली को शामिल करें, और इसमें हमारे सारे नट्स आ जाते हैं, सीड्स आ जाते हैं, पंपकिन सीड बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, जैसे सनफ्लावर सीड, और फिश, वेजिटेबल ऑयल, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, और इलसी के बीज बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इलसी के बीज को हम कैसे इस्तेमाल करें, इलसी के बीज को थोड़ा सा आप भूने, भूनने के बाद उसको आप पीस लें, पीस के तो उसको किसी कंटेनर में बंद करके तो आप फ्रिज में रख लें, ये 1 वीक का बनाएं, बहुत ज़्यादा ना बनाएं क्योंकि इसमें नमी आ जाती है, ऑयल निकलने लगता है और ये टेस्ट उसका बुरा लगने लगता है। तो उसको आप 1/2 चम्मच रोज कंज्यूम करें दिन के किसी भी हिस्से में, और ये इसमें ताकत भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी आप हेल्दी फील करेंगे और आपकी स्किन भी रिच हो जाएगी। और इसके अलावा अल्कलाइन से अल्कलाइन की को ज़्यादा रिच फूड जो है वो आप यूज़ करें, जैसे कि पालक हो जाती है, ब्रोकली हो जाती है, कुकम्बर बहुत अच्छा है, अगर आप कुकम्बर और पालक और अदरक की स्मूदी बना सकती हैं तो ये बहुत अच्छा है, मैदा भी आपका साफ करता है और आपकी स्किन भी रिच हो जाती है, एंड सेकेंडली जो है आपकी वेट भी कम होता है। तो अब हम केयर की अगर बात कर लें तो माइल्ड क्लिनजर हमने यूज करना है। क्लिनजर की भी मैं बताऊंगी कि कौन सा हमें क्लिनजर यूज करना चाहिए, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में जो इसका पार्ट 2 होगा उसमें आपको मिल जाएगा। और फिर इसके बाद हमने क्या करना है, क्लिनजर बहुत अच्छा सा यूज करना है जिसमें मॉइस्चराइजर भी हो और हमारी स्किन को डैमेज ना करे, हार्श ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद सन ब्लॉक हमें लगाना चाहिए, जब भी आपके पिंपल्स ट्रीटमेंट चल रही हो, जब भी आपकी ड्राइनेस की ट्रीटमेंट चल रही हो, जब वैसे ही आप सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो तो आपको चाहिए कि आप सन ब्लॉक बहुत ज़्यादा अप्लाई करें। एप्पल साइडर विनीगर को अपनी डाइट में शामिल कर लें, इसमें क्या करें, 1 चम्मच जो है एप्पल साइडर विनीगर लें और 1 गिलास पानी में आप इसको हल करके स्किन के किसी भी हिस्से में पी लें। और फिर इसी तरह बहुत एंटीऑक्सीडेंट जो है रिच फूड आप यूज करें, इसमें वेजिटेबल आ जाती हैं और लीफी वेजिटेबल्स आ जाती हैं, और ऐसे ही आप फ्रूट जो है इसमें बनानाज हैं, बेरीज हैं, वाटरमेलन वगैरह हैं, ये आप यूज करें। प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें, शुगर को बिल्कुल कम कर दें, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल खत्म कर दें और शुगर को अवॉइड करें। ये कुछ एसिडिक फूड हैं और कुछ अल्कलाइन फूड हैं जिसमें हम देखते हैं एसिडिक फूड में सारे हमारे बेकरी प्रोडक्ट आ जाते हैं, कोक वगैरह आ जाती है, चॉकलेट्स आ जाती हैं, जबकि हमारी अल्कलाइन फूड में हमारी कैरेट, एप्पल और ब्रोकली, कुकम्बर और बेल पेपर।